हे गाइस यू ऑल वेरी वेरी गुड इवनिंग सो यस मैंने प्रॉमिस किया था प्रीमियर वीडियो दूंगा तुमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिमेनिंग क्वेश्चंस का जो कि बहुत ज़रूरी भी है बिल्कुल एग्री करता हूं मैं हाँ लेकिन क्विज़ से पहले मैं वो वीडियो नहीं बना पाया बट दैट्स एब्सलूटली ओके क्विज़ में मैंने एक लेवल तक सवाल पूछे थे लेकिन डोंट वरी गाइज जब मैं इसकी अगली क्विज़ लूँगा जी की उस समय मैं ए के एडवांस प्रॉब्लम्स भी वहाँ पर कवर करूँगा सो डोंट वरी आज हम ए पी एक्सरसाइज के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करने वाले हैं मैंने आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क दिए थे सो so अब उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करने की बारी आ गई ओके परफेक्ट सर तो चलिए आज शुरू करता हूँ आज का सेशन वेलकम यू ऑल टू एन अकेडमी सी ए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल मैं हूँ आपका दोस्त सी ए प्रणव एजुकेटर एट सी ए फाउंडेशन लेवल मैथ्स एल स्टेट्स एंड कॉस्टिंग सी ए इंटरमीडिएट आई एम सी ए इन फर्स्ट अटैम्प्ट आई हैव फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड अगर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँ सो आई एम एन एजुकेटर दिल से आई क्वालिफाइड सी ऑल द लेवल्स इन द फर्स्ट अटैम्प्ट एंड मेरा एम है आपके दिमाग से आपके माइंड से मैथ्स फोबिया को छू मंत्र कर देना ओके okay जी चलिए आगे बढ़ते हैं सो आई एम द प्राउड पार्ट ऑफ वन एंड ओनली द बेस्ट सी ए फाउंडेशन टीम अक्रॉस द नेशन द बाहुबली टीम सो हैश टैग टैगर्स विद बाहुबली टीम एंड ट्वेंटी वन भले ही वीडियो प्रेमियर हो रहा है एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए सभी लोग फटाफट टैग करो टैग अस विद हैश टैग बाहुबली टीम एंड ट्वेंटी वन इस वीडियो को मैं प्रीमियर होते हुए देख रहा हूं तो मैं भी कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहूंगा तो यह मत समझना कि मुझे नहीं पता सो प्लीज बी एक्टिव भले यह वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया आज मैं ट्रैवल कर रहा हूं बट डोंट वरी गाइस एनर्जी फुल रहेगी और तुम्हारी एनर्जी भी तुमको फुल रखनी है या सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट फोर ए में सर हम लोगों ने एनथ टर्म पढ़ा ए में हमने सम ऑफ एंड टर्म्स पढ़ा फिर हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्मूले पढ़े उसके बाद हमने सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर ऑड नंबर इन सब के फॉर्मूले पढ़े दैट वाज द बेसिक लेकिन क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा वेराइटीज़ हैं तो वो सारे जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपने कर लिए हैं लेकिन अब जो एक्स्ट्रा वेरायटी या मैं बोल सकता हूँ एक लेवल अप वो आज डिस्कस करने वाले हैं हालांकि आप लोगों ने ट्राई किया और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन बन भी गए हैं बट स्टिल आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ गिवन एज़ होम वर्क सो ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज सिक्स ए ठीक है चलिए हाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ ऑल दोज पीपल हु जॉइन न्यू रेगुलर स्टूडेंट्स को तो पता है मैं क्या बताने वाला हूँ सो so, ये जो आपको दिख रहा है एक पेज ये है हमारा वर्चुअल लाइब्रेरी सो so, जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर नीचे जाओगे ना बहुत सारे लिंक्स दी हुई हैं उसमें थोड़ा सा सर्च करना आपको मिलेगा एक वर्चुअल लाइब्रेरी प्रणव सर ऐसा करके क्लिक करोगे तो आपके बहुत सारे टैब्स ओपन होंगे पहले अकाउंट्स का होगा फिर मैथ्स में निशान सर फिर मैथ्स में, में मेरा नाम होगा और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सारे सारे आपके ये टैब होंगे जब आप टैब के अंदर जाओगे जैसे मैंने अपना टैब यहाँ पर ओपन किया है तो नवंबर ट्वेंटी वन रेगुलर क्लासेस इसमें ना लेक्चर वाइज लिंक नहीं है प्ले वाइज लिंक है मतलब जैसे मैंने पहले लिखा बेसिक्स ऑफ मैथ्स तो उसके जो भी चार पाँच छः लेक्चर होंगे इस लिंक के अंदर मिल जाएंगे जैसे प्ले बटन दबाओगे ना तो प्ले आ जाएगी बेसिक्स ऑफ स्टेट्स प्ले लिस्ट आ जाएगी मैथ्स का रेशियो मैथ्स का प्रपोर्शन मैथ्स का एंडाइसिस मैथ्स का लॉग और उसके बाद हमने किया था एल आर ब्लड रिलेशन उसकी भी लिंक आ जाएगी और फिर हमने मैथ्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चालू किया तो इसका भी फोर्थ लेक्चर के साथ तक पूरा लिंक आपका कवर हो जाएगा अगर आप में से कोई जुलाई ट्वेंटी वन वाले स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आपको रिविजन क्लासेस दिख रही है हमने दो सीरीज चलाई थी एक चलाई थी रिविजन मोड ऑन और एक दूसरा चलाया था टू द कोर दोनों ही सीरीज अन अकेडमी स्पेशल क्लास पर थी और मैंने एकदम डेप्थ के साथ पूरे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट रिविजन करवा दिया ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर ठीक है तो वो आप एक्सेस कर सकते हो हंड्रेड परसेंट फ्री है अभी तक अगर आपने अन अकेडमी आप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करो और उसके बाद ये लिंक को यूज़ करोगे डायरेक्टली वीडियो ओपन हो जाएगा बस पहले वीडियो के समय तुमसे एक अनलॉक कोड पूछेगा तो सी ए प्रणव मेरा नाम ये कोड में डाल देना तो अनलॉक हो जाएगा फ्री में टेलीग्राम चैनल वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने भी हमारे अभी तक आ, मैं बोल सकता हूँ वीडियोज़ हम पोस्ट करते हैं वॉट एवर अपडेट्स वी गिव एवरी थिंग इज गिवन हीयर ठीक है ना तो अपडेट आपको मिलती रहेंगी इसलिए उसका भी यूज़ करें अनकेडमी प्लस जैसे हम अभी फ्री क्लासेस कर रहे हैं जैसे आप अनकेडमी स्पेशल क्लास पर भी फ्री क्लासेस करेंगे उसी तरह सर अनकेडमी प्लस पर भी हम ही लोग आपको पढ़ाते हैं लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाते हैं समझ रहे हो आप बात को यहाँ पर आपको मिलती है डिफरेंट बैचेस मतलब अगर आपने अनकेडमी प्लस लिया ना तो बहुत सारी रेगुलर बैचेस चलती रहती हैं एक हमारी जो सबसे भाई बेस्ट एवर बैच चल रही है लक्ष्य नवंबर ट्वेंटी वन वो भी इसमें इंक्लूड है बट ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक सब्जेक्ट या एक बैच के लिए ले रहे हो जब आप सी फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लोगे तो सी फाउंडेशन के अंदर आने वाली सारे सब्जेक्ट्स के सारे एजुकेटर्स के सारे क्लासेस के सारे बैचेस एवरी यू कैन एक्सेस इसलिए तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ अनलिमिटेड एक्सेस स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब डिफाइंड होता है कि यार इस तरह को चालू होगा इस तरह को ख़त्म होगा लाइव क्लास वीकली टेस्ट ऑल दोज थिंग्स आर देयर और ये जो तुम्हें डार्क ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है वाइट के बाहर उसको नाम देते हैं आइकॉनिक आइकॉनिक इज़ वॉट आइकॉनिक मतलब आपकी प्लस की क्लासेस के साथ अगर उसमें पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लानर चाहिए आपको स्टडी मटेरियल प्रिंटेड चाहिए एक्सपर्ट गाइडलाइन टेस्ट एनालिसिस ये सारी चीज़ें मिलेंगी आइकॉनिक में सो ऑब्वियसली चार्जेस आइकॉनिक में प्लस से ज़्यादा होंगे लेकिन आपको पर्सनल मेंटर मिल जाएगा और प्लस के भी चार्जेस अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स वेरी वेरी लो ये देख रहे हो आप मल्टीपल बैचेस उसके बाद चार्जेस देखो आप 825 पर मंथ अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऑन एन एवरेज 825 पड़ रहा है मतलब 19,800 और ये एवरीथिंग इज बिफोर डिस्काउंट सी ए प्रणव कोड लगाएंगे आफ्टर डिस्काउंट टेन परसेंट ऑफ होने के बाद ये चीज़ें और कम में आ जाएंगी ठीक है जैसे आइकॉनिक भी है चार्जेस ज़्यादा लेकिन ये भी अभी आपका बिफोर डिस्काउंट है सी ए प्रणव कोड यूज़ करेंगे टेन ऑफ तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करने से पहले चेक करना चाहूँगा हाउस द जोश कमेंट बॉक्स में अभी के अभी फायर के दो साइन और जोश हाई या फिर हाई सर ऐसा लिख दीजिए मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं अपने मोबाइल फ़ोन पर भले ये वीडियो प्रेमियर हो रहा है लेकिन एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए परफेक्ट चलिए सर तो आज के सेशन में मुझे ज़्यादा रिकैप की भी जरूरत नहीं है मुझे कमेंट बॉक्स को डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ सो जितने भी लोगों ने कर लिया है उनका डन हो गया है वेरी गुड गाइस आई अप्रिशिएट दिस बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई एम डायरेक्टली मूविंग टू द टॉपिक ओके चलिए सर तो पिछले लेक्चर में आपको होमवर्क मिला हुआ था ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ़ एक्सरसाइज और मैंने बोला था कि आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो एंड प्रीमियर इट फाइन सो लेक्चर नंबर फोर में हम लोग आ चुके हैं ए के और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बच गए हैं ये लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जो मैं कर लेता हूँ उसको मैं टिक कर देता हूँ तो जैसे ही हम एक्सरसाइज में आएंगे ये देखो भाई क्वेश्चन वन से ही हमारा बचा हुआ है सो राइट नाउ आई मेन एक्सरसाइज सिक्स है जिनके पास भी स्टडी मटेरियल है यू कैन ओपन पेज सिक्स पॉइंट सेवन और बाकी तो स्क्रीन में आपको दिखता ही रहेगा डोंट वरी सो द एनथ एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस वन थ्री फाइव सेवन वन थ्री फाइव सेवन का एनथ एलिमेंट बताओ एनथ एलिमेंट का मतलब एनथ टर्म ही पूछ रहा है क्या वो ए पी है वन थ्री फाइव सेवन हाँ सर प्लस टू प्लस टू प्लस टू हाँ वो ए पी है फर्स्ट टर्म हो जाएगा तुम्हारा क्या फर्स्ट टर्म तुम्हारा हो जाएगा वन कॉमन डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा प्लस टू लेकिन तुमको कौन सी टर्म निकालनी ये नहीं बोला सीधे एनथ टर्म बोल दिया है इसका मतलब ए प्लस एन माइनस वन डी तो ए प्लस एन माइनस वन डी मतलब वन प्लस एन माइनस वन को एन माइनस वन रहने दो और डी को लिख दो टू तो वन प्लस टू एन माइनस टू विच मीन्स टू एन माइनस वन ये देखो आ गया तो कभी कभी आंसर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन जरूरी नहीं कि आंसर आपका फाइनल वैल्यू आए कभी कभी आपसे एन का फॉर्मेट ही पूछ सकता है सो टू एन माइनस वन हियर इट इज समझ गए आप देखा जाए तो इससे भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया कि अगर तुमसे कोई भी पूछे बताओ सातवां ऑर्ड नंबर कौन सा है पंद्रहवा ऑर्ड नंबर कौन सा है तो तुम बोलोगे ये वाला फार्मूला यूज कर लो तुमको वो ऑर्ड नंबर पता चल जाएगा टू एन माइनस वन सिंपल द एनथ टर्म ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस अब देखो तुम ये वाले सीक्वेंस को देखोगे ना तो तुम बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है मैं बताता हूँ दिस इज़ जीपी बट जीपी तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है तो वही तो प्रॉब्लम है ये अभी क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए ना यहाँ पर अभी यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए लेकिन अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ तुम्हें तो कभी भी अनथ टर्म का क्वेश्चन आ जाए ना अनथ टर्म चाहे वो ए हो चाहे जी हो चाहे वो रैंडम हो उसको सॉल्व करना इज़ वेरी ईजी अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जी तो मेरे कोर्स में है ही नहीं या फिर है लेकिन मैंने तो पढ़ा ही नहीं है तो मेरे लिए तो फॉर नाउ इट इज नॉट इन द कोर्स क्योंकि मैं नहीं जानता फिर भी अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो मैं कैसे करूंगा वो ट्रिक आपको बता रहा हूँ ताकि कल को एपी को छोड़कर कोई तीसरा भी प्रोग्रेशन आ जाए ना लेकिन एहनत एलिमेंट पूछ ले तो तुम ऑप्शन से उसे चेक कर सकते हो वेरी सिंपल ट्रिक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर टू में देखो तुमको क्या है ऑप्शन में दिया हुआ है फॉर्मूला वो फार्मूला किस चीज़ का है टर्म की पोजीशन की फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकालने के लिए एन की जगह वन रखोगे तो पहली एन की जगह टू तो सेकंड लाइक दिस तो मैं तुमसे यही बोल रहा हूँ यहाँ पर कि इस पूरे सीक्वेंस के अंदर इस पूरे सीक्वेंस के अंदर अगर मैं सारे ऑप्शन लेकर वन टू थ्री फोर डालकर देख लेता हूँ तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है तो एक काम करता हूँ यहाँ रखता हूँ एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर यहाँ पर लेता हूँ ऑप्शन ए उसका फॉर्मूला माइनस वन की पावर एन टू की पावर एन माइनस वन अब एन की जगह वन डालना है तो माइनस वन का पावर वन इज़ माइनस वन टू का पावर वन माइनस वन इज़ जीरो टू का पावर जीरो विच इज आंसर इज माइनस वन तो पहला टर्म तो मैच कर गया अब इसी फार्मूले में एन की जगह टू डालकर देखता हूँ माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन टू की पावर टू माइनस वन देट इज़ टू अरे वाह प्लस टू भी मैच कर गया थर्ड टर्म में चलता हूँ एन की जगह रख के देखते हैं सर थ्री लेट्स पुट थ्री इन प्लेस ऑफ एन सो माइनस वन का क्यूब होगा माइनस वन और टू का पावर थ्री माइनस वन होगा टू का स्क्वायर दैट इज़ फोर माइनस फोर और लास्ट हो जाएगा तुम्हारा माइनस वन का पावर फोर विच इज़ प्लस वन इंटू टू का पावर थ्री विच इज एट प्लस एट देख रहे हो आप माइनस वन प्लस टू माइनस फोर प्लस एट बिल्कुल मैच कर गया हालांकि ये किस्मत अच्छी थी कि हमारा ऑप्शन ए में मैच कर गया ऑप्शन ए में मैच नहीं करता तो हम ऑप्शन बी चेक करते भी मैं नहीं करता तो सीख चेक करते ठीक है ना वो तो हम इसलिए आगे बढ़ते गए क्योंकि हमारा पहला टर्म भी मैच कर गया फिर दूसरा भी कर गया फिर तीसरा भी कर गया पहला ही मैच नहीं करता तो तुम अगले ऑप्शन में चले जाते आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट सो क्वेश्चन नंबर टू अगर समझ में आ गया है तो कॉमेंट बॉक्स में दिमाग की बत्ती जलाइए राइट नाउ अभी के अभी दिमाग की बत्ती ऑप्शन ए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ भले प्रीमियर हो रहा है है ना तो गुस्ताखी माफ़ नहीं होगी कहने का मतलब कमेंट बॉक्स पर एक्टिव रहिए मैं वीडियो में भले लाइव नहीं हूँ लेकिन बैक स्टेज में ज़रूर लाइव हूँ भाई याद रखना इस बात को ठीक है तो कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहना दिमाग की बत्तियाँ जल रही हैं मुझे दिख रहा है पर सभी को जलानी है चलो क्वेश्चन नंबर थ्री थोड़ा हटके है टफ नहीं है हटके है मतलब कुछ अलग सी चीज पूछ लीजिए ए पी ए पी को छोड़कर माइनस सॉरी माइनस नहीं है टू आई माइनस वन स्क्वायर रूट समेशन आई इक्वल्स टू फोर सेवन सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ये वाला साइन क्या है ये वाला साइन सम का साइन है समेशन कि उसके बाद जो भी फॉर्मूला लिखा है उससे जो भी वैल्यूज आ रही है उनको जोड़ देना दिस साइन इज समेशन जिसको बोलते हैं सिग्मा तो समेशन ही बोलो तो ज्यादा सही है दिस इज द साइन ऑफ समेशन ठीक है अब समेशन के साइन के नीचे और ऊपर कोई कोई लोग बैठे रहते हैं जैसे इस क्वेश्चन में समीशन के नीचे फोर बैठा हुआ है समीशन के ऊपर सेवन बैठा हुआ है इसका क्या इंटरप्रिटेशन है इसका इंटरप्रिटेशन य है कि आई की वैल्यू तुमको फोर से चालू करनी है फिर फाइव रखनी है फिर सिक्स रखनी है फिर सेवन रखनी है फोर फाइव सिक्स सेवन और उसके बाद यहाँ पर आएगा टू आई माइनस वन स्क्वायर रूट अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे चेक करना है इसको आई की वैल्यू फोर से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आई की जगह फोर रखो तो टू इंटू फोर आई की जगह फोर रखा माइनस वन स्क्वायर रूट समझ रहे हो प्लस पहले फोर रखा अब आई की जगह फाइव रखो फोर फाइव सिक्स सेवन तक जाना है टू इंटू फाइव माइनस वन तो आप देख रहे हो सिग्मा के बाद या समेशन वाले साइन के बाद जो भी फार्मूला था उसमें आई था उसमें आई की जगह एक बार वन रख रहा हूँ मैं एक बार फोर रख रहा हूँ फिर फाइव रख रहा हूँ फिर सिक्स रखूंगा सेवन रखूंगा ऐसे करके आगे जा रहा हूँ देखिए टू फोर जय एट माइनस वन सेवन सेवन का रूट प्लस टू फाइव जय टेन माइनस वन नाइन का रूट इलेवन का स्क्वायर रूट थर्टीन का स्क्वायर रूट बस अब ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है सेवन नाइन इलेवन थर्टीन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर तो सिर्फ एक बार वाले सीखने की बात थी कि यह जो सिंबल बना हुआ है ये जो समेन का साइन बना हुआ है इसका क्या मीनिंग निकलता है बस समझने की बात थी समझ गए एक बार हो गया बस और क्या फिर आप अंदर की ये वाली चीज चेंज भी कर दो तो क्या फर्क पड़ना है इनको और इनको बदल भी दो तो क्या फ़र्क पड़ना है बस समझ में आ गया ये फार्मूला हो गया ये पहली स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट फोर है तो फोर फाइव सिक्स सेवन नेचुरल नंबर गिनते जाना दैट्स इट तो ये भी समझ में आया होगा दिमाग की एक बत्ती जला दो बहुत आसान सा चीज़ था इट वॉज नॉट अ टफ थिंग तो दो बत्ती के लायक भी नहीं है एक ही बत्ती के लायक है तो सिंगल बत्ती ज़रूर आप प्रेस कर दें भाई चलिए नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर माइनस फाइव कॉमा ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फाइव कॉमा सिक्स ट्वेंटी फाइव डैश 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 कैन बी रिटर्न एज फिर से वही वाली बात है सर हमें नहीं पता ये सीरीज क्या है हमें कुछ भी नहीं पता हमें बस ये पता है कि ये फार्मूलेज जो हैं इनमें हमको वन टू थ्री फोर डालकर चेक करना है कि वो क्या इसकी उससे इनका आंसर ये आ रहा है कि नहीं सिंपल तो मैं इसको लिखूंगा सबसे पहले ऑप्शन ए माइनस फाइव का पावर के समेशन के की वैल्यू वन से लेकर इन्फिनिटी तक मुझे वन से लेकर इन्फिनिटी तक जाना ही नहीं मुझे तो एक बार के की जगह वन रखना है एक बार टू रखना है एक बार थ्री और एक बार फोर और फिर डॉट 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 करके कर, कर दूँगा सो so, एक बार माइनस वन की जगह पावर अगर आप रखते हो वन तो ये हो जाएगा माइनस फाइव प्लस अगला हो जाएगा माइनस फाइव का स्क्वायर फिर हो जाएगा अगला माइनस फाइव का क्यूब अगला हो जाएगा माइनस फाइव का पावर फोर एंड सो ऑन अब माइनस फाइव इज माइनस फाइव माइनस फाइव का स्कॉयर प्लस ट्वेंटी और माइनस फाइव का पावर फोर इज सिक्स ट्वेंटी देखा जाए तो जो मेरी चारों टर्म्स आ रही हैं मैच तो कर रही हैं अभी यहां पर क्या है? ये वाले सारे क्वेश्चंस में किस्मत अच्छी है कि पहला ही ऑप्शन मैच कर जाता है ठीक है ना देखो दूसरे ऑप्शन में क्या फ़र्क है वहाँ फाइव का पावर के है तो सारी चीज़ें पॉजिटिव में आती जबकि मेरे पास तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक, नेगेटिव, एक पॉजिटिव है तो बी गलत हो जाएगा और सी वाले में क्या डिफरेंस है कि वो पूरे माइनस के ऊपर पावर नहीं लगा रहा है माइनस बाहर रखा हुआ अंदर फाइव का पावर के मतलब वो हर चीज़ को माइनस 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 कर रहा है जबकि मुझे तो एक माइनस एक प्लस प्लस चाहिए ये भी गलत ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है सो so, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फोर होने के बाद यह करता हूँ मैं ऑप्शन ए ये रहा सर हमारे सामने नाउ अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव भी एक अच्छा सवाल है बहुत आसान सवाल है एनथ टर्म आपको दे दिया है और बस बोल रहा है कि पहली तीन टर्म बता दो मैं बोलूँगा भाई देखो अगर एनथ टर्म का फार्मूला है एन स्क्वायर माइनस टू एन तो अगर मैं टी वन निकालने जाऊँ तो हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस टू माइनस वन टर्म नंबर टू हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस टू दैट इज़ फोर माइनस टू टू और अगला हो जाएगा थ्री थ्री स्क्वायर नाइन या थ्री स्क्वायर माइनस थ्री दैट इज सिक्स तो माइनस वन अरे ये क्यों हो गया एक बार वन रखा वन स्क्वायर माइनस टू वन या टू फिर रखा टू ओ टू एन था भाई टू एन था सॉरी 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 टू एन है तो टू इंटू टू हो जाएगा फोर तो ये हो जाएगा जीरो फिर है टू इंटू थ्री तो जाएगा सिक्स तो नाइन माइनस सिक्स थ्री सो माइनस वन जीरो एंड थ्री माइनस वन जीरो एंड थ्री दीज आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स बस आ गया फिर से ऑप्शन है दिस वॉज ऑल्सो टू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव दिमाग की एक बत्ती जलाने की जरूरत है बस अब आएगा सर मज़ेदार सवाल क्वेश्चन नंबर एट एट में चलते हैं हम लोग भाई एट में थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ ये जो एनथ टर्म एनथ टर्म एनथ टर्म बोलते था ऐसा कोई जरूरी नहीं है एन बोलो उसको एम भी बोल सकते हो आर भी बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो तो जैसे मैं लिखता हूँ कि मेरा एनथ टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये एनथ टर्म बोलता हूँ तो अगर तुमसे कोई एम एथ टर्म पूछ ले ना तो ए प्लस एम माइनस वन डी कर दो मतलब वो सिर्फ नाम है सिंबल है कुछ भी कर सकते हैं आरथ टर्म टी आर ए प्लस आर माइनस वन डी समझ रहे हो आप ए n एन माइनस वन डी ए प्लस एम माइनस वन डी ए प्लस आर माइनस वन डी ना तुमसे देखो क्या बोल रहा है कि एहथ टर्म ऑफ एन ए ये मैंने से बैकग्राउंड बताया ना क्वेश्चन ऑफ पढ़ रहा हूं तुमसे बोल रहा है एक ए का एमथ टर्म n के बराबर है अच्छा एक ए का एन एम m के बराबर है एहथ टर्म n के बराबर n अरे भैया भूल भूलैया चल रही है क्या समझो तो भाई आगे बढ़ते हैं फिर बोल रहा है आरथ टर्म बताइए क्या होगा अरे यार तुम यहां पर एम और एन के बारे में कहानी बता रहे हो फिर आगे चलकर आर पूछ लिया ये क्या वाला है कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं तो मुझे ये निकालना है आरत टर्म और मेरे को दिया हुआ है कि भाई तुम्हारी जो एनथ टर्म है एमथ टर्म मतलब ए प्लस एम माइनस वन डी ये एन के बराबर है और ए प्लस एन माइनस वन डी ये एम के बराबर है समझ रहे हो ए प्लस एम माइनस वन डी एन के बराबर है ए प्लस एन माइनस वन एम के बराबर है अब इन दोनों की मदद से कुछ तो ऐसा सॉल्व करना है जिससे ये सॉल्व हो जाए तो सर ये तो ऑलरेडी सॉल्व है आपके पास तो आंसर है टी आर का आंसर तो है लेकिन मैच नहीं कर रहा ना ऑप्शन से देखो ऑप्शन में तो कुछ अजीब ही आंसर दिए हुए एम एन आर एम एन आर एम एन आर इससे ये बात समझ में आ रही है कि ये जो तुम्हारा ए प्लस आर माइनस वन डी है इसमें ए को बदलना है इसमें डी को बदलना है जब ए और डी को बदल दूंगा तभी तो आंसर इस फॉर्म में आएगा ना और कुछ ऐसे तरीके से बदलना है जिसका इस इक्वेशन से कुछ लेना देना हो तो अब मैं तुमको हिंड बताता हूँ हम क्या करेंगे ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे ए और ए कैंसिल हो गया यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एम माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी राइट हैंड साइड में हो जाएगा एन माइनस एम डी को कॉमन लिया ब्रैकेट ओपन तो एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन इक्वल्स टू एन माइनस एम उसके बाद वन वन कैंसिल हो गया तो डी इंटू एम माइनस एन इज इक्वल्स टू एन माइनस एम एन माइनस एम को मैं माइनस कॉमन निकाल कर अंदर लिख सकता हूँ एम माइनस एन अब डी की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी एम माइनस एन नेगेटिव अपॉन एम माइनस एन पॉजिटिव ये दोनों कैंसिल आंसर आ गया माइनस वन कॉमन so, डिफरेंस की वैल्यू है माइनस वन डी इज इक्वल्स टू माइनस वन डी इज इक्वल्स टू माइनस वन तो आपको समझ में आ रहा है? क्या हुआ फिर से समझाता हूं एन एथ टर्म एमएथ टर्म आर एथ टर्म निकालना है दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया ए कैंसिल हो गए डी की वैल्यू माइनस वन आ गई अभी डी की वैल्यू मिल गई इस डी की वैल्यू को मैं यहाँ डाल सकता हूं बट अभी मुझे ए की वैल्यू नहीं मिली है ए की वैल्यू तो मैं क्या करूँगा कोई भी एक इक्वेशन उठाता हूँ जैसे ये उठा लेता हूँ ए प्लस एम माइनस वन डी इज़ इक्वल्स टू एन इसमें डी की जगह माइनस वन पुट कर देता हूँ ए प्लस एम माइनस वन डी की जगह माइनस वन अंदर आ गया एन सो so ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस वन माइनस एम किसी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्विच हो जाएगा ना एम नेगेटिव हो जाएगा वन पॉजिटिव हो जाएगा एन अब बताओ ए की वैल्यू क्या हो गई ए की वैल्यू हो गई एन प्लस एम माइनस वन फिर से समझना क्या किया कोई भी एक इक्वेशन उठाई ये वाली इसमें डी की जगह माइनस वन पुट कर दिया पुट कर दिया तो हो गया ए प्लस एम माइनस वन अंदर में माइनस वन इस माइनस वन को एम माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया वन माइनस एम सो ए प्लस वन माइनस एम इक्वल्स टू एन सो ए प्लस वन माइनस एम माइनस एम उस तरफ गया तो एम के साथ एन के साथ एड हो गया पॉजिटिव वन उस तरफ गया तो माइनस हो गया तो एन प्लस एम माइनस वन अब इसको यहां डाल देता हूं अब इस पूरे को सॉल्व कर देते हैं सो एम प्लस एन माइनस वन प्लस आर माइनस वन इंटू माइनस वन सो एम प्लस एन माइनस वन इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो बचेगा प्लस वन माइनस आर वन वन कैंसल द अल्टीमेट आंसर इज एम प्लस एन माइनस आर द अल्टीमेट आंसर इज दिस एम प्लस एन माइनस आर ऑप्शन डी चिल्टू नहीं बोल सकता मैं इसको लेंदी भी था थोड़ा ट्रिकी भी था सर लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो कैसे बनेंगे भाई धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे चीजें आसान लगने लगेंगी खुद पर भरोसा रखो मुझ पर भरोसा रखो खुद पर भरोसा रखो दो चीजें की जरूरत है बस और आजू बाजू कुछ मत देखो ठीक है चल तो so, क्या बताया मैंने तुमको एमथ टर्म दिया था एनथ टर्म दिया था दोनों की वैल्यू दी थी आरथ टर्म पूछ रहा था अच्छा आरथ टर्म तो ए प्लस आर माइनस वन डी हो गया आंसर निकल गया लेकिन नहीं उसने बोला हमारा ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें एम और एन और आर आ रहा हो ए और डी ना आ रहा हो मतलब तो कहीं ना कहीं इस वाले रिलेशनशिप की मदद से और डी की वैल्यू निकालनी थी मैंने जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे डी की वैल्यू माइनस वन मिल गई उस डी को मैंने सब्सिट्यूट किया पहली इक्वेशन में तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई और फिर इस ए की वैल्यू और इस डी की वैल्यू को पुट किया तो ये मिल गया मुझे एम प्लस एन माइनस आर ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा ये देख लो स्क्रीन ले लो वन बाय वन स्टेप हुए आ जाएगा टेंशन मत लेना ठीक है चलो तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसको मैं रेड टिक नहीं कर सकता आई हैव टू इट एज ब्लू ऑप्शन डी परफेक्ट अब आ गया सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन टेन भी बढ़िया सवाल है भाई ये भी हैवी ड्राइवर है बता रहा हूं मैं तुमको ओवर पावर्ड क्वेश्चन है ये भी सो so, दिया हुआ है द एनथ टर्म ऑफ द सीरीज एनथ टर्म ऑफ द सीरीज बताइए जिसकी सम ऑफ एन टर्म्स आपको गिवन है फाइव एन स्क्वायर प्लस टू एन सुनिएगा मेरी बात फिर से द एनथ टर्म ऑफ द सीरीज आपको निकालना है वॉट इज द एनथ टर्म जिसका सम ऑफ द एन टर्म्स इज फाइव एन स्क्वायर प्लस टू एन ठीक है कैसे करें सर इसका फार्मूला याद करो पहले इसका एक पहला वाला फार्मूला जो मैंने तुमको सिखाया था एन अपॉन्ट टू फर्स्ट टर्म प्लस एनथ टर्म ब्रैकेट क्लोज अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड की जगह रख दूँ राइट हैंड साइड में रख दूँ फाइव एन स्क्वायर प्लस टू एन ठीक है अब सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ अच्छा तुम्हें निकालना तो यही चीज़ है तो अब तुम्हें समझ में तो आ गया क्या करना है दोनों साइड को सॉल्व करना है सबसे पहले मैं दोनों तरफ से एन कैंसिल कर सकता हूँ कैसे ये एन ए टू है ए प्लस एन एथ टर्म है राइट हैंड साइड में एन कॉमन आया अगर तो अंदर बचेगा फाइव एन प्लस टू अब देखिए ये वाला एन ये वाला एन कैंसिल हो गया ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस एन एथ टर्म ए प्लस टी एन ये वाला टू वहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया टेन एन प्लस टू टू फोर अब मुझे बता भाई कैसे करेगा इस चीज़ को ये तो ए के फॉर्म में आंसर आ गया ए के फॉर्म में अब तो फंस गया सर में अरे नहीं फंसे क्यों क्योंकि सम ऑफ टर्म्स के फॉर्मूले से फर्स्ट टर्म निकाली जा सकती है क्यों क्योंकि फर्स्ट टर्म तुम्हारी एस वन के भी तो बराबर होती है तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं एन की जगह वन रख दूंगा तो ये हो जाएगा फाइव इंटू वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन सेवन तो ये हो जाएगा टेन एन प्लस फोर माइनस सेवन ट इजन एन माइनस थ्री फिर से देखना ये टफ नहीं है ईजी है समझने वाली बात है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला दिया है और बोल रहा है एनथ टर्म का फॉर्मूला बनाओ मैंने बोला सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है फाइव एन स्क्वायर प्लस टू एन एनथर्म का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूले में एनथ टर्म आता है क्या आता है ना एन अपॉन टू ए प्लस एनथ टर्म आता तो है सर उसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले दोनों तरफ एन कैंसिल किए फिर जो बचा हुआ टू को वहाँ मल्टीप्लाई किया टेन एन प्लस फोर हो गया ए प्लस टी एन इक्वल्स टू टेन एन प्लस फोर तो एन एथ टर्म इज इक्वल्स टू टेन एन प्लस फोर माइनस ए सो टेन एन प्लस फोर माइनस सेवन दैट इज टेन एन माइनस थ्री डन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर परफेक्ट तो यहां मैं कर देता हूं ऑप्शन सी और अब रेड टिक करने की जरूरत नहीं है सॉरी ब्लू टिक करने की जरूरत नहीं रेड टिक इज चलो सर क्वेश्चन नंबर तो बहुत माइनस सिक्स और फोर्टीन के बीच में टू अरिथमेटिक मीन निकालो मतलब ये एक फिल फिल इन इन द द ब्लैंक्स ब्लैंक्स का का क्वेश्चन क्वेश्चन है है कैसे है? कि सिक्स और फोर्टीन के बीच में दो ऐसी टर्म्स हैं कि अगर उनको डाल दूं तो चारों एपी में आ जाएंगे फिर से सुनना माइनस सिक्स और फोर्टीन के बीच में दो ऐसे स्पेसेस हैं जहां पर अगर मैं ये दो ऑप्शन में से डाल दूं वैल्यूज को तो पूरा का पूरा ए बन जाएगा अब मैंने पहले देखा देखो माइनस सिक्स है फिर टू बाय थ्री फिर वन बाय थ्री ये डालने से तो मुझे साफ समझ में आ रहा है गलत नहीं आएगा मैच ही नहीं करेगा बताऊँ क्यों बताऊँ क्यों माइनस सिक्स से अगर तू फोर्टीन तक जा रहा है मतलब तेरा ए डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है तो अगर वो इंक्रीजिंग है तो टू बाय में कुछ इंक्रीज करेगा तो वन बाय होगा क्या टू बाय की क्या वैल्यू होती है जीरो वन बाय थ्री की क्या वैल्यू होती है जीरो पॉइंट थ्रो अगर ये और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो अंदर आके फिर वो बिगाड़ देंगे ना खे, खेल को टू बाय थ्री के बाद वन बाय थ्री डिक्रीजिंग हो रहा है तो फिर ये यह यहाँ आ ही नहीं सकते ना वरना कैसे ए पी बनेगा ये तो साफ गलत बिल्कुल गलत फिर मैं ऑप्शन बी को टच करता हूँ टू बाय थ्री और सेवन वन बाय थ्री का मतलब समझ रहे हो ना सेवन वन बाय थ्री का मतलब सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी टू अपॉन थ्री दिस इज बेसिकली ट्वेंटी टू थ्री सो टू बाय थ्री की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स ट्वेंटी टू थ्री की वैल्यू होती है सेवन पॉइंट थ्री थ्री मतलब वैल्यू तो इंक्रीज़ हो रही है टू बाय थ्री जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स ट्वेंटी टू बाई सेवन पॉइंट थ्री 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 तो अगर मैं इनको डालकर देखूँ टू बाय थ्री और ट्वेंटी टू बाय थ्री और अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखूँ कि टी टू माइनस टी वन क्या आ रहा है और टी थ्री माइनस टी टू क्या आ रहा है तो अगर वो कॉन्स्टेंट आ गया तो मतलब सही है तो एक काम करता हूँ पहली दूसरी और तीसरी तो पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल कर देखता हूँ टू बाय थ्री माइनस माइनस सिक्स इट इज़ कमिंग टू एल लिया थ्री सो टू थ्री जै सिक्स सॉरी सिक्स थ्री जहा एटीन ये हो गया ट्वेंटी बाय थ्री सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकाल कर डिफरेंस समझ में आ रहा है ट्वेंटी बाय थ्री अगर थर्ड माइनस सेकेंड का डिफरेंस भी यही आ गया तो मतलब ए है तो ट्वेंटी टू बाय थ्री माइनस टू बाय थ्री अरे हाँ यार ये भी आ गया मतलब डिफरेंस कॉमन है डिफरेंस कॉमन है यही ए पी का साइन है कि मेरी हर पिछली वैल्यू में ट्वेंटी बाय थ्री एड करने से अगली वैल्यू आ रही है तो माइनस तो सिक्स में प्लस ट्वेंटी बाय थ्री करोगे तो टू बाय थ्री आएगा टू बाई थ्री में प्लस ट्वेंटी टू ट्वेंटी बाय थ्री करोगे तो ट्वेंटी टू बाई थ्री आएगा और ट्वेंटी टू थ्री में भी चेक करके देख लो कि क्या ट्वेंटी टू थ्री में अगर मैं ट्वेंटी बाय थ्री जोड़ दूँ तो कितना आ रहा है फोर्टी टू बाई थ्री विच इज़ फोर्टीन बिल्कुल मैच कर रहा है सर आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा अच्छा है अच्छा सवाल है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर इसको करने का एक और तरीका है पता क्या ऑल्टरनेटिव वे जिसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती डायरेक्ट तुम्हें हो सकता है बड़ा भी लगे और कुछ लोगों को छोटा भी लग सकता है माइनस सिक्स डैश डैश फोर्टीन मैं बोलता हूँ यार अगर ये पूरा एपी है तो माइनस सिक्स मेरा फर्स्ट टर्म है और फोर्टीन मेरा फोर्थ टर्म है फोर्थ टर्म मतलब ए प्लस थ्री डी ए की वैल्यूज सिक्स तो सिक्स माइनस सिक्स प्लस थ्री डी फोर्टीन थ्री डी की वैल्यू ट्वेंटी तो डी की वैल्यू ट्वेंटी बाय थ्री आ गई तो अगर तेरे को ये वाली टर्म निकालना है टर्म नंबर टू तो तू बोलेगा माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी बाय थ्री विच इज़ टू बाय थ्री और उसकी अगली टर्म निकालनी तो टू बाय थ्री में वापस ट्वेंटी बाय थ्री जोड़ेगा ट्वेंटी टू बाय थ्री ट्वेंटी टू बाई थ्री को लिख सकते हैं थ्री सेवन जीरो ट्वेंटी वन प्लस वन तो टू बाई थ्री सेवन वन बाय थ्री यही हमारे आंसर है टू बाय थ्री सेवन वन बाय थ्री तो तुम देख लो भाई तुमको कौन सा कंफर्टेबल लगता है पहला मेथड दूसरा मेथड ऑप्शन से या डायरेक्ट फॉर्मुले अच्छे से याद है तो डायरेक्ट करने में, में मेरे हिसाब से समय बचना चाहिए तुम्हारा ठीक है दिस इज ऑल्सो डन अरे भाई सिक्सटीन तो बहुत ईजी है बोल रहा है तीन नंबर ऐसे हैं जिनको जोड़ने से फिफ्टीन आता है उनके प्रोडक्ट से एट्टी आता है और वो तीनों नंबर एपी में हैं टू एट फाइव तो ए पी में ही नहीं है एक कम है फिर बहुत ज़्यादा है फिर बीच में है एट टू फाइव भी ए पी में नहीं है टू फाइव एट ए पी में है और एट फाइव टू भी ए पी में है दोनों का सम भी फिफ्टीन हो रहा है टू प्लस फाइव प्लस एट फिफ्टीन ऐट प्लस फाइव प्लस टू फिफ्टीन और इनका प्रोडक्ट भी सेम हो रहा है टू इंटू फाइव इंटू एट एट्टी एट इंटू फाइव इंटू टू एट्टी अरे वाह तो फिर तो दोनों आंसर हो गए सर एग्ज़ाम में कैसे करेंगे सिर्फ समझाने के लिए ऐसा सवाल दिया है एग्जाम में दो आंसर नहीं आ सकते तुम इसको जाकर पीछे चेक करोगे तो सी कॉमर डी आंसर दिया होगा आंसर की में लोड मत लो जस्ट समझाने के लिए है कि कभी कभी इस तरह के सवाल के दो आंसर हो सकते हैं लेकिन जरूरी थोड़ी ऑप्शन में दो सवाल देगा मतलब दो ऑप्शन देगा एक जैसे चल अब आता सर ये अलग कैटेगरी एटीन जिसमें आपसे पूछता है कि मतलब क्वेश्चन पढ़कर पहले तो आपको ये लगेगा कि अरे ये इस चैप्टर से है क्या पढ़कर तो समझ में नहीं आया था ऐसे ही पढ़ो द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन सेवेंटी फ़ोर एंड टू फाइव 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 सिक्स बाई फाइव बोल रहा है सेवेंटी फ़ोर से शुरू करते हुए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी सिक्स तक कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय फाइव हैं और उनकी काउंटिंग बताओ काउंटिंग मैंने बोला यार देखो सेवेंटी फ़ोर से चालू करूं तो सबसे पहले तो आता है फाइव फिर आता है एट्टी अब पूरा काउंट करने तो बैठूंगा नहीं मैं ऐसे तो जन्म निकल जाएंगे पच्चीस हज़ार तक पहुंचने में लेकिन एक बात पता है सर कोई भी वैल्यू फाइव से डिविजिबल होती है तो या तो उसमें फाइव या तो जीरो आता है अब ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी सिक्स के पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो फाइव से डिविजिबल होता होगा कॉमन सेंस टू फाइव 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 चाहो तो कैलसी में चेक भी कर लो टू फाइव 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 सिक्स को अगर तुम फाइव से डिवाइड करोगे तो ये तो होगा नहीं पूरा लेकिन एक बात समझ में आ गई फाइव हंड्रेड वन 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 तो अगर मैं फाइव इन टू फाइव वन 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 सॉरी फाइव वन 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 इंटू फाइव करता हूँ तो आखिरी टर्म आ जाएगी पच्चीस हज़ार पाँच सौ पचपन बस यही समझना था हमको अब देखिए सर अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक ए की तरह नज़र आएगा अच्छा इसलिए यहाँ पर दिया है कि सेवेंटी फाइव तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया इस ए का और कॉमन डिफरेंस तुम्हारा हो गया प्लस फाइव और तुम्हारी एनथ टर्म हो गई है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव और वही एन एथ टर्म की पोजीशन क्या है कौन से नंबर की टर्म है वो अगर वो एन पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने नंबर ऑफ डिविजिबल हैं ठीक है तो चलिए सर लेट्स डू इट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव फिफ्टी फाइव एन एथ टर्म इज इक्वल्स टू ए सेवेंटी फाइव प्लस एन माइनस वन डी डी इज़ फाइव तो ट्वेंटी फाइव थाउज़ेंड फाइव 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 में सेवेंटी फाइव माइनस करता हूँ तो इस तरफ हो जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी इक्वल्स टू एन माइनस वन इन टू फाइव तो एन माइनस वन की वैल्यू होगी फाइव जीरो नाइन सिक्स तो एन की वैल्यू होगी फाइव जीरो नाइन सेवन देखो भाई आसान है सेवेंटी फोर से लेकर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव फिफ्टी सिक्स आखिरी नंबर है इनके बीच में कौन कौन से ऐसे नंबर है जो फाइव से मल्टीपल होते हैं तो उन सारे नंबर का काउंटिंग बताओ नंबर ऑफ नंबर बोला ना क्वेश्चन पढ़ा नंबर ऑफ नंबर्स काउंटिंग पहला टर्म 75 फाइव जो फाइव से डिवाइड हो रहा है आखिरी टर्म पच्चीस हज़ार पाँच सौ पचपन अगर मुझे उस टर्म की पोजीशन पता चल जाए ना एनथ टर्म की तो ये पता चल जाएगा कि वो कौन से नंबर का है तो नंबर ऑफ नंबर्स पता चल जाएंगे सेवेंटी फाइव एटी एटी फाइव एंड सो ऑन अप टू ट्वेंटी फाइव 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 फर्स्ट टर्म इज सेवेंटी फाइव कॉमन डिफरेंस इज प्लस फाइव एंड गोइंग टिल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव फिफ्टी फाइव एंड माइनस वन करोगे डन ठीक है तो इससे एन की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी फाइव जीरो नाइन सेवन अच्छा क्वेश्चन था गुड क्वेश्चन एटीन एटीन को मैं भाई ब्लू टिक कर देता हूँ क्योंकि तो अलग वैरायटी है ये डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल नहीं है सोच समझ के करने, करना पड़ेगा थोड़ा ठीक है नाइनटींथ में चलता हूँ मैं नाइनटीन्थ है तुम्हारा बोल रहा है द दियत टर्म ऑफ एन ए पी टर्म ऑफ एन ए पी इज थ्री पी माइनस वन अपॉन सिक्स द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज सिंपल है पी एच टर्म मतलब टी पी दैट इज थ्री पी माइनस वन अपॉन सिक्स ठीक है और फिर आपसे पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बताओ तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हो जाएगा एन अपॉन टू ए प्लस एन एच टर्म ठीक है एन अपॉन टू ए प्लस एन एच टर्म अब भाई अगर तुम्हारा टी पी थ्री पी माइनस वन सिक्स के बराबर है तो टी एन क्या होगा जानबूझ के पी दिया था कि तुम्हें लगे अरे वापरे का क्वेश्चन आ गया कहीं पी है कहीं एन है सिर्फ नाम है टी पी लिखोगे तो थ्री पी माइनस वन अपॉइंट सिक्स टी एन लिख दोगे तो थ्री एन माइनस वन अपॉइंट सिक्स अब ये वाला थ्री एन की जगह तुम ये पूरा सब्सिट्यूट कर सकते हो बिल्कुल कर सकता हूँ अब सुनना अगर तुम इसको पूरा सब्सिट्यूट कर दोगे एक चीज़ और पूछ रहा है ए और तुम्हारे आंसर में कहीं भी ए नहीं आ रहा है कोई बात नहीं सर ए मतलब फर्स्ट टर्म निकाल देता हूँ मैं थ्री वन ज थ्री माइनस वन अपॉन सिक्स दैट इज़ टू अपॉन सिक्स दैट इज़ वन अपॉन थ्री तो हम क्या कर देते हैं एन बाय टू को एन बाय टू रहने देते क्योंकि आंसर तो एन के फॉर्म में आएगा पर एक की जगह रख देता हूँ मैं वन बाय थ्री प्लस nth टर्म की जगह रख देता हूँ मैं थ्री एन माइनस वन अपॉन सिक्स एल सी एम सिक्स टू प्लस थ्री एन माइनस वन एन बाय हो so, जाएगा थ्री एन प्लस वन होल अपॉन सो एन अपॉन ट्वेल्व थ्री एन प्लस वन ये देखो ऑप्शन बी को ध्यान से देखो आप अप। बिल्कुल अपन लोगों का मैच कर रहा भाई तो क्या था क्लू क्या था कैच क्या था क्वेश्चन का जो टी दिया हुआ है पी एथ टर्म उसी को एनए टर्म बना दो तो पी की जगह एन डाल दो थ्री एन माइनस वन अपॉन्ट सिक्स और सम निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हें फर्स्ट टर्म और एनएथ टर्म एन एथ टर्म तुमको मिल गई है फर्स्ट फर्स्टम तुम वन डाल के निकाल सकते हो हो तो गया फिर सॉल्व कर दिया अल्टीमेटली आ गया उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में डाल दिया जो ऑप्शन से मैच कर जाए ठीक है दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन दिमाग की बत्ती जलाने लायक तो था पर ब्लू टिक लायक नहीं था दिमाग की बत्ती जरूर जला दें आप इसमें विदिस वी आर डन विथ नाइनटीन इसको मैं ब्लू टिक नहीं इसको मैं रेड टिक करूंगा ट्वेंटी अरिथमेटिक मीन ऑफ थर्टी थ्री एंड सेवेंटी सेवन वैसे तो अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज होता है तो थर्टी थ्री प्लस सेवेंटी सेवन अपॉन टू फिफ्टी फाइव लेकिन फिर भी इस चैप्टर में आया है तो मैं ये बोल देता हूँ कि थर्टी थ्री और सेवेंटी सेवन के बीच में ऐसी कौन सी टर्म डाल दें कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए फिफ्टी फाइव कॉमन डिफरेंस ट्वेंटी टू अगेन कॉमन डिफरेंस ट्वेंटी टू वरना तुम्हें तो लगेगा पता नहीं यहाँ कैसे आ गया ट्वेंटी वन तो भाई बहुत ईजी है माइनस टू और ट्वेंटी थ्री के बीच में ऐसे नंबर डालो कि ए पी बन जाए पूरा भाई थ्री थर्टीन एट एटीन गड़बड़ ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा थोड़ी होता है पी में एटीन थ्री एट थर्टीन अरे फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे फिर बचा थ्री एट थर्टीन एट इसको डालकर देख लोगे मैच कर जाएगा ऑप्शन सी so, अब बारी है ट्वेंटी टू की ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू अच्छा सवाल है भाई इसको तो लेना पड़ेगा ओ पी क्वेश्चन है is, 22. Let's go. देखो क्या बोल रहा भाई

अब कोई भी दो चीज़ का साइन अपोजिट होता है ना तो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं तो तुम यहां भी नेगेटिव लगा दो तो, तो भी चलेगा या फिर यहां लगा दोनों जगह मत लगा देना वरना इक्वल कहला जाएंगे कोई भी एक जगह मैं यहां लगा देता तो हूँ नेगेटिव ठीक है अब बोल रहा है इसकी मदद से थर्ड टर्म निकालिए टी थ्री तो टी थ्री तो होता है सर सिर्फ ए प्लस टू डी ए तो दिया हुआ है मतलब डी चाहिए तुमको और डी चाहिए मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों की मदद से तुम्हारा डी निकलेगा ये इक्वेशन की मदद से डी निकलेगा सो so, एस फाइव का फॉर्मूला होगा फाइव अपॉन टू एन अपॉन टू नेगेटिव बाहर रखा हुआ है टू ए प्लस एन माइनस वन डी तो टू ए मतलब ट्वेंटी एट प्लस एन माइनस वन मतलब फोर डी इक्वल्स टू माइनस टेन अपॉन टू टू इंटू ए टू इंटू ए ट्वेंटी एट प्लस एन माइनस वन मतलब नाइन डी सो हेयर वी गो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास ये खुद बन जाएगा फाइव अच्छा यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा भाई वहाँ नेगेटिव मत करना ये फ़ाइव और ये फाइव कैंसिल बच गया ये वाला टू सामने मल्टीप्लाई कर दिया सो ट्वेंटी एट प्लस फोर डी टू वहाँ मल्टीप्लाई किया नेगेटिव वाला तो ये हो गया माइनस फिफ्टी सिक्स माइनस एटीन डी सॉल्व किया इनको तो एटीन डी इस तरफ आया एटीन फोर ट्वेंटी टू डी और ट्वेंटी एट वहाँ चला गया तो माइनस ट्वेंटी एट हो गया डी हो गया तुम्हारा माइनस एट्टी फोर अपॉन ट्वेंटी टू मतलब माइनस फोर्टी टू अपॉन इलेवन बस अब ये डी को डाल देता हूँ मैं तो थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू ए मतलब फोर्टीन प्लस क्योंकि नेगेटिव डी है टू इंटू नेगेटिव डी माइनस फोर्टी फोर्टी टू अपॉन इलेवन तो ये हो रहा है फोर्टीन माइनस एट्टी फोर अपॉन इलेवन एलसीम लिया तो इलेवन इंटू फोर्टीन दैट इज वन फिफ्टी फोर माइनस एटी फोर सेवेंटी बाय इलेवन सिक्स फोर बाय इलेवन ऑप्शन ठीक है तो थोड़ा सा लेवल वाला सवाल अच्छा सवाल था लेकिन ब्लू टिक तो बनता है इसमें अरे सर इस ब्लू टिक का सवाल है तो एक बार रिपीट करना भी बनता है लो भाई रिपीट कर देते हैं फर्स्ट टर्म दिया है और बोल रहा है सम ऑफ द फाइव टर्म और टेन टर्म बराबर है लेकिन इक्वल साइन नहीं है साइन अलग अलग है तो दोनों को बराबर रखा एक जगह माइनस रख दिया फिर ओपन कर दिए फॉर्मूले के हिसाब से ए की वैल्यू थी डी बस छोड़ के बाकी सब था दोनों को सॉल्व किया यहाँ वाला माइनस टू सामने ट्रांसफर कर दिया फाइव फाइव कैंसिल कर दिया फिर सॉल्व कर दिया तो डी की वैल्यू आ गई फिर ए प्लस टू डी में इसको डी को डाल दिया सॉल्व किया तो आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में ठीक है चलो भाई दिमाग की बत्ती जल गई ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ये तो आसान सवाल है यार बन गया होगा तुमसे मैं नहीं कर पा रहा ये मैं नहीं कर पा रहा भाई फर्स्ट टर्म दिया माइनस फोर ये दिया वन फोर्टी सिक्स सम दिया है 71 वन वन तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है चलो करवा देते हैं यार तुम भी क्या याद रखोगे यार तुम भी क्या याद रखोगे ये लोग पहला टर्म माइनस फोर आखिरी टर्म पता नहीं कौन सा है वन फोर्टी सिक्स और फिर बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म्स सेवन वन सेवन वन तो बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितने मतलब एन की वैल्यू बताओ बस डाल देंगे ऑप्शन में सेवन वन सेवन वन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू एन अपॉन टू टू ए मतलब टू ए की जरूरत क्या है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म माइनस फोर और वन फोर्टी वन फोर्टी सिक्स माइनस फोर देट इज़ वन फोर्टी टू डिड बाई सेवेंटी वन एन इज इक्वल टू सेवन वन सेवन वन तो एन की वैल्यू हो जाएगी सेवन वन सेवन वन बाई सेवन वन एक सौ एक क्या बात है एक सौ एक हंड्रेड एंड फर्स्ट टर्म एक सौ एक टर्म ठीक है ना तो इजी था यार ये तो मतलब करवाने लायक नहीं था वो तो भाई मैं लाइव नहीं तो मुझे लगा फिर बच्चे बोलेंगे देखो प्रीमियर है तो सॉल्व भी नहीं करवा रहे पूरे क्वेश्चन सच में इजी था रे भाई मजाक नहीं कर रहा था ये उससे भी ज्यादा इजी ट्वेंटी फिफ्थ सम ऑफ द सीरीज जिसमें फर्स्ट टर्म दिया साढ़े तीन थ्री पॉइंट फाइव कॉमन डिफरेंस निकाल दो सेवन माइनस थ्री पॉइंट फाइव इज ऑल्सो थ्री पॉइंट फाइव और फिर निकालना है तुमको सम अप टू सेवनटीन टर्म्स क्या करोगे सेवनटीन अपॉइंट टू टू इंटू थ्री पॉइंट फाइव टू ए प्लस एन माइनस वन मतलब सिक्सटीन इंटू थ्री पॉइंट फाइव डी सिक्सटीन इंटू थ्री पॉइंट फाइव एम प्लस टू इंटू थ्री पॉइंट फाइव एम प्लस मेमोरी रिकॉल इंटू सेवेंटीन अपॉइंट टू फाइव थर्टी फाइव पॉइंट फाइव मतलब वही बात है ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है तुम्हारा फाइव थर्टी फाइव हाफ भी लिख सकते हो उसको ऑप्शन सी कैलकुलेटर की ट्रिक से करोगे तो भी आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा उसमें कोई दिक्कत की बात तो विद दिस वी 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 आर 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 डन 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 क्वेश्चन एंड द एंटायर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक और अब हम कल से शुरू करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नई सीरीज चालू होगी ये प्ले लिस्ट होती है यहाँ पर खत्म और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो आई होप कि आपको प्रीमियर लेक्चर में भी मजा आया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं गई होगी सो so, कल मिलेंगे वापस सेवन फिफ्टीन पी उससे पहले जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं वो इंपॉर्टेंट बात ये है लक्ष्य नवंबर ट्वेंटी वन बैच चालू हो गया इट इज नॉट टू लेट बेस्ट बैच है कभी भी ज्वाइन करो कोई प्रॉब्लम नहीं है रिकॉर्डिंग बैकअप इज़ ऑलवेज अवेलेबल बेस्ट टीम एंटायर एंटायर सिलेबस ठीक है और इट इज़ अ कोर्स जिसमें न सिर्फ हम आपकी प्लानिंग सिलेबस uh, कंप्लीशन तक करवाएंगे बल्कि एग्जाम तक की प्लानिंग तुम्हारी डिसाइडेड है उसमें एम टी पी पी वाई क्यू बैचेज मैराथन एवरीथिंग टाइम टेबल हियर इट इज सो अन अकेडमी ऐप पर जाकर मुझे फॉलो ज़रूर कर लें ये मेरा लिंक है वहाँ पर जाने का प्रोफाइल यू आर एल एट द रेट सी ए अंडर स्कोर प्रणव एंड ऐसा दिखता है आपको वहाँ जाकर फॉलो कर लेना एंड हाँ जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में भी अन अकेडमी प्लस अगर आप ये लोगे तभी वो बैच ज्वाइन कर पाओगे और साथ ही आइकॉनिक होता है आइकॉनिक में क्या पर्सनल मैंटरिंग भी साथ में मिलती है ना सिर्फ एक बैच यार बहुत सारी बैचे ज्वाइन कर सकते हो आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्वन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद प्लस का बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके आप ऐसे जा सकते हो अंदर एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर देयर या नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड में आपको ट्वेंटी फोर मंथ्स मिल रहा है है ना फिर फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड में आपको ट्वेल्व मंथ प्लस टू मंथ फ्री मतलब फोर्टीन मंथ मिल रहा है ये सब में अभी डिस्काउंट भी लगेगा माइनस टेन परसेंट उसके लिए कोड यूज़ करना पड़ेगा सी ए प्रणव ये सब स्टेप्स तो आपको पता ही होंगे ठीक है फिर है आइकॉनिक हमारे पास आइकॉनिक में आपको क्या है चार्जेस ज़्यादा है बाकी पूरा प्रोसेस सेम क्योंकि पर्सनल मैंटर मिल रहा है ना तुमको वहाँ ज़रूरत है तो ले सकते हो तुमको कोई दिक्कत नहीं हाँ लेकिन अभी मैं जो सबसे ज़्यादा तुमको रिकमेंड करूँगा वो करूँगा ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड का कॉम्बो कॉम्बो के प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं और ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ में तुमको पूरा फाउंडेशन पूरा इंटर ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए मिल रहा है भाई पूरी जर्नी कंप्लीट इंटर तक की कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट लीजिए ताकि आपको सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम डिस्काउंट मिले एंड ट्वेल्व प्लस टू मंथ सब्सक्रिप्शन मतलब कोई भी इंटर का लो फाउंडेशन का लो या कॉम्बो लो दो मंथ फ्री मिल रहा है बारह के साथ ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइज देट वॉज ऑल फॉर टूडे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि एन अकेडमी सी फाउंडेशन की एक भी वीडियो मिस ना हो एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू फाउंड इट वेरी यूजफुल एंड डाउनलोड कर लेना अन् अकैडमी लर्निंग एप थैंक यू सो मच गाईज टेक केयर ब बाय सी ए प्रणव डिस्काउंट कोड यूज़ ज़रूर करना बाय